नमस्ते फ्रेंड्स, आर एन टैरो में आपका स्वागत है। टैरो कार्ड्स में चार सूट्स हैं और इन चार सूट्स में चार किंग हैं, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ बॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। इसमें से दो किंग ऐसे हैं जो कि अपने किंग होने से खुश नहीं हैं और दो किंग ऐसे हैं जो कि अपनी पोजीशन से बहुत खुश हैं। दे आर हैप्पी टू बी किंग। जिस किंग की आज हम बात करने वाले हैं, ही इज़ हैप्पी दैट ही इज़ अ किंग। एंड जिस कार्ड की हम बात करने वाले हैं वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स में जाने से पहले ऑफकोर्स वी विल टॉक अबाउट द कीवर्ड्स। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स कीवर्ड्स हैं सिक्योरिटी, मनी, एबंडेंस, कंट्रोल, पावर, ऑथोरिटेटिव, फादर फिगर। जब हम कीवर्ड्स की बात करते हैं, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि उससे हमें बेसिक फीचर्स पता चलते हैं कार्ड के। और कीवर्ड्स कुछ ऐसे हैं कि जब आप कार्ड को देखते हैं, द कीवर्ड्स जस्ट स्टार्ट कमिंग आउट इन योर ऑन योर माइंड, यू नो। एक एक चीज़ जो उसमें सिग्निफाई कर रही होती है, उसके जो हैं वो कीवर्ड्स जो हैं वो फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए यू जस्ट हैव टू लुक एट द कार्ड एंड सी व्हाट वर्ड्स, व्हाट कीवर्ड्स आर कमिंग आउट। दैट्स द वे ऑफ डूइंग इट। एनीवेज, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स के अगर पिक्चोरियल में देखेंगे, हम देखते हैं ही इज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन एंड इट्स ऑल वेरी ग्रीन अराउंड। सब कुछ बहुत एक रिच सा एक एनवायरनमेंट लग रहा है। ही इज होल्डिंग अ क्वाइन इन हिज हैंड, ऑन हिज लेफ्ट हैंड एंड हिज राइट हैंड ही इज होल्डिंग हिज पावर। और जो उसका गाउन है वो उसके एनवायरनमेंट के साथ मैच कर रहा है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है। जब भी आप देखेंगे कि जब जो सूट में जो है, जब हम एक फिगर को देखते हैं और वो उसका जो ड्रेस है वो मर्ज हो रही है उसके एनवायरनमेंट के साथ, दैट मींस लाइक थिंग्स आर पॉजिटिव, दैट ही इज़ वन विथ वॉट एवर इज़ हैपनिंग ऑन द आउटसाइड। That means inside and outside there is a combination, that there is a kind of a sync, a synchronization which is happening on the inside and the outside. Difference nahi hai, aisa nahi hai ki inside jo hai you are thinking something else and outside something else is going on. When we talk about the king of pentacles, it is all a sync which is shown here. Aur hum piche dekhte hain, there is a castle which he has built for himself. तो किंग ऐसा है कि यू नो, उसने अपने लिए सारी वो सुविधाएं जुटा ली हैं जिसके कारण वो सुखी हो गया है। एंड ही इज़ हैप्पी इन द पोजीशन वेयर ही इज़ अ हैप्पी किंग। और अगर आप उनका फेशियल एक्सप्रेशन देखें, जिस तरह से उसने पेंटिकल पकड़ा हुआ है, ही इज़ होल्डिंग एज इफ यू नो लाइक ही थिंक्स यू नो लाइक ही ओन्स इट, ही डिजर्व्स इट and he is taking it for granted, you know, like this power belongs to me, where else it will be. I am the king, and the king knows very well, you know, that he is the king, and that is why, you know, like we see the expression, the way he is sitting. His sitting is such that it's in a very relaxed way. He is sitting in this way, you know, that I am the king, I am the authority, I am the power, I am someone who controls, I am the rich person here. So every earthly sign is shown in this card, you know. Agar hum baat karein richness ki earth mein, agar hum baat karein to have a very good life in terms of having everything, then hum yaad karenge king of pentacles ko. To aap bhi apne life mein koi example ke taur pe kisi aise aadmi ko dekh sakte hain jo ki king of pentacles hai. और अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं सिर्फ बाहर के लेवल की। और व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट द किंग ऑफ पेंटिकल थिंग शुड हैपन फ्रॉम इनसाइड, दैट द मनी विच इज़ देयर आउटसाइड इज़ ओके, इट्स वेरी ब्यूटिफुल, बट द मनी यू नो इट शुड बी देयर इन योर माइंड, नॉट इन योर हार्ट। दैट्स द वे इट शुड बी। सो
He's a king of material world. He has wealth, power, prestige, fame. He's surrounded by luxury. He's sensual, earthly, and he's enjoying his richness. कार्ड में जो है ये सब चीज़ें जो हैं शो करती हैं किंग के बारे में. एंड जैसे मैंने आपसे पहले भी बात करी है, कार्ड को जब हम देखेंगे, जब भी किसी हम कार्ड को देखते हैं, उसको हमें उसकी एनर्जी को भांपना है कि उसकी एनर्जी हमसे क्या कहना चाह रही है. किंग ऑफ पेंटिकल्स को जब हम देखते हैं, उसकी एनर्जी जो है इट्स रिलैक्स. हम देखते हैं लाइक ही इज़ वेरी रिच, ही इज़ इन अ कम्फर्टेबल इन्वायरमेंट. ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विच यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड इज, उसके थ्रोन पे जो है देर इज़ अ सिम्बल, सिम्बल ऑफ अ बुल, एंड जो कि सिग्निफाई करता है पावर को. एंड देर इज़ अ फॉक्स विच इज शोन बिहाइंड विच शोज दैट ही हैज द विजडम ऑल्सो अलॉन्ग विद इट एंड ही इज़ बींग प्रोटेक्टेड दैट नो वन कैन एक्चुअली हार्म द किंग. द फॉक्स not only takes care of the king but also gives him wisdom. That is why the fox is shown. So that is why we also see, you know, that the king is very relaxed in whatever he is given. He is happy, and that is why this card is also known as the card of luxury. King is also a very fatherly figure. Agar aap king ke contact mein rehte hain to wo aapko jo hai wisdom provide karta hai, help provide karta hai, नॉलेज प्रोवाइड करता है, इवन फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड करता है. दीज आर द क्वालिटीज़ विच दिस किंग हैज़ एंड ही लिव्स दोज क्वालिटी एंड ही ऑल्सो रेडिएट्स दोज क्वालिटी आउटसाइड. ही इज़ अ प्राउड किंग इफ यू एक्चुअली सी. ही इज़ हैप्पी बींग देयर एंड ही वॉन्ट्स टू शो हिज वेल्थ. ही ऑल्सो हैज़ अ टच ऑफ मिडास. वट एवर ही टचेज इट बिकम्स गोल्ड. इस किंग के अंदर ये खास बात है कि इसकी आप ये समझिए कि थिंग्स आर वेरी वेल फॉर हिम. यू नो, जो भी ये टच कर देगा, इट हैज़ अ मिडास टच. जिसको भी ये टच कर देगा इट विल बिकम गोल्ड. एंड अगर उसका सिंपली यही मतलब है कि अगर कोई ऐसा काम जो किंग करने का सोच ले, अगर वो उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करने का सोच ले, तो दैट वर्क विल सिंपली वर्क. That's what the power of king is. और एक बात और समझने की है, ये king ऐसा है जो कि अपनी responsibility से घबराता नहीं है. He is perfect in the way, you know, to be a king, because he is not only, you know, enjoying his power, but he is also helping the kingdom. He is also helping the other people. So definitely there is pride in the king, but he is also capable of helping others. He is also capable of handling the responsibilities which are given to him. This is what the King of Pentacles stands for. और अगर ये आपकी रीडिंग में ये कार्ड आ रहा है तो इट सिंपली मीन्स यू जस्ट हैव टू इन्जॉय द फ्रूट्स ऑफ यू नो वट एवर नेचर इज ऑफरिंग यू और द वट एवर द वर्ल्डली थिंग्स आर बींग ऑफर्ड टू यू. यू आर इन अ वेरी ब्यूटिफुल स्टेट. यू आर इन अ वेरी स्टेबल एंड सिक्योर पोजिशन राइट नाउ. दैट इज़ वॉट इज शोन इन द किंग ऑफ पेंटिकल्स. इन टर्म्स ऑफ अगर मैं बात करूँ लव एंड रिलेशनशिप की, इट बेसिकली जस्ट शोज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन. इट कैन सिंपली मीन एन अरेंज मैरिज विद समवन विद एवरीथिंग सिक्योर एंड साउंड. एंड व्हेन इट कम्स टू मनी, बिजनेस, करियर, जॉब, इट सिंपली मीन्स दैट द किंग इज हैप्पी विद यू, दैट the nature or the universe is happy with you and it is giving you money. So this was my interpretation for you for the king of pentacles. jaate jaate main jonathan swift ke kuch lines bolna chahunga jo ki unhone king of pentacles ke liye aap samjhe boli gayi hain. wo kehte hain a wise person should have money in their head but not in their heart. और ये एग्जैक्टली जो है हमारे किंग ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर सूट करता है कि जो जो मनी है वो उसके हेड पे है. इट हैज़ नॉट एक्चुअली कम टू हिज हार्ट. क्योंकि अगर मनी जो है अगर आपके हार्ट में आ जाए तो देन द करप्शन हैपन. दैट मीन्स यू नो लाइक यू आर नॉट रियली एबल टू लिव द रिचेस.
हार्ट के अंदर प्रेम ही रहे, लव रहे, दैट इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो जो जहाँ है जैसा है वैसे बैलेंस हो जाए तो चीज़ें सुंदर हो जाती हैं। सो दिस वॉज माई रीडिंग फॉर यू फॉर किंग ऑफ पेंटिकल्स। आई होप यू एंजॉयड इट एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।